गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनालिसा उड़ीसा से आई। आप सभी को मेरे गार्डन में स्वागत है। और अभी शाम के टाइम मैं आ गई हूँ छत पे। यहाँ पे मैंने कंटेनर में मैं दिखाई थी फर्स्ट अदरक लगाई है, और ये देखिए ये छोटा सा अंकुर, और ये एक है अदरक निकलने लगा है। और अभी और दो चार पीस अदरक मेरी किचन में अंकुरित हो गया था। मैं अदरक और हल्दी ऐसे ही लगाती हूँ। हल्दी का तो बीज मेरे पास पिछले साल का रहता है अपना गार्डन का ही, और अदरक का जो आता है किचन में यूज करने के लिए वही सबको मैं लगा देती हूँ। तो मैं अभी मिट्टी बैठ गया है तो थोड़ा सा गोड़ाई ज़रूरत है। और ये देखिए ये किचन में जो खाने के लिए आया है वही अंकुरित हो गया है। इसी को बस मिट्टी में दबा दो और ये अंकुरित हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये दो, इस यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। और इसमें भी एक है, तो इस साइड में इसको ऐसे बिठा देते हैं। और यहाँ पर भी छोटा सा अंकुरण दिख रहा है, इसको लगा देते हैं। तो ये चार पांच दिन में इसी के तरह निकल जाएगा। ये देखिए छोटा सा निकल रहा है और ये भी निकल आया है। बाकी ये ऐसे ही करके मैं ये कंटेनर पूरा कर दूंगी अदरक से। और अभी चलिए देखते हैं क्या हार्वेस्टिंग मिलता है अभी शाम के टाइम। और यहाँ पर कंटेनर अभी खाली पड़ा है, मिट्टी भर इनको पलटाना है। अभी मिट्टी पलटा के विंटर के लिए दिखाना है। और ये देखिए खीरा का साइज़ कितना बढ़िया है, मेरा खीरा फलना स्टार्ट हो गया। और बढ़िया फ्रूटिंग लेने के लिए मैं बताने वाली हूँ आज टिप्स कुछ। और ये देखिए करेला भी रेडी है, और इधर भी एक खीरा है, ये अभी छोटा है काफ़ी। और यहाँ पर भी एक है, और वहाँ पर नीचे को डाली गया है इसका, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे लगे हैं अभी, लेकिन काफ़ी छोटे हैं। और इधर इस साइड में ऊपर तक गया है। और यहाँ पर कुंदरू भी दो लगा है, इनको भी ले लेते हैं। और यहाँ पर भी है कुंदरू, जब फलता है तो काफ़ी सारे मिलता है एक साथ। और इधर भी ये देखिए, और वहाँ पर भी दो है ऐसे ही। हार्वेस्टिंग मिलता रहता है, ऐसे एक भी दिन नहीं जाता कि आज कुछ हार्वेस्टिंग नहीं मिला हो। और उस साइड में देखिए तोरी का फूल काफ़ी प्यारा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। शाम के टाइम ये तोरी का फूल पूरा खिला है। और इधर फ्रेंड देखिए, मैं देखी नहीं थी, इतना ध्यान नहीं गया था। और ये नीचे एक बड़ा सा खीरा लगा है, और काफ़ी प्यारा हार्वेस्टिंग मिला, तीन खीरा। मैं सोची नहीं थी, मैं देखी थी दो ही लगा था, और ये छोटे छोटे और लग रहे हैं, अभी बन रहे हैं। और इतना अच्छा हार्वेस्टिंग मिलने के बाद पौधा का केयर कैसा लेना है, मैं कैसा इतना हार्वेस्टिंग लेती हूँ, तो आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ यही सीक्रेट। तो मैं जब भी आती हूँ गार्डन में, हार्वेस्टिंग कर ली जो जितना मिला, उसके बाद मैं जो मेरा पॉटिंग मिक्स लगा हुआ रहता है बना के रखती हूँ मैं, जो किचन उसमें रहता है पॉटिंग मिक्स में, किचन कंपोस्ट हो गया, गोबर का खाद हो गया, और थोड़ा सा नीम खली और लकड़ी का राख, ये सारे जो पॉटिंग मिक्स रहता है उसी को ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने गार्डन में जो भी पौधा जहाँ से हार्वेस्टिंग ली
एक बार ले ली, थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स डाल दी। जब तक वो कंटेनर फुल नहीं हो जाता मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा जितना गैप रहता है कंटेनर में। मैं एक बार हार्वेस्टिंग लेने के बाद उसमें फिर पॉटिंग मिक्स, ऐसे ही पॉटिंग मिक्स डाल देती हूँ, तो इससे मेरा हार्वेस्टिंग काफ़ी बढ़िया मिलता है। और ये देखिए मिट्टी को ऐसे फैला दिया चारों तरफ, और ये जो जड़ ऊपर आते हैं ना बेल का, वो छिप जाते हैं। और हमें नेक्स्ट टाइम और भी बढ़िया, इससे भी बढ़िया हार्वेस्टिंग मिलने लगता है। और यही मेरा सीक्रेट है। मैं हर हार्वेस्टिंग के बाद थोड़ा सा 250-300 ग्राम गोबर का खाद हो गया, या मिक्स वाला जो पॉटिंग मिक्स रहता है वो हो गया, या फिर किचन कंपोस्ट एक दो मुट्ठी, ऐसे करके डालती रहती हूँ। और मेरी गार्डन में सब्जियाँ मुझे काफ़ी बेटर मिलता रहता है। और आप सभी को दिखा ही रही हूँ मैं कैसे हार्वेस्टिंग करती हूँ और कैसे सब्जियाँ मुझे मिलती है, और काफ़ी बढ़िया हार्वेस्टिंग रहती है मेरी और मेरे परिवार के लिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा सब्जियाँ मिलने लगते हैं। और ये देखिए आपके सामने है उसका रिजल्ट। और अभी ये बेल नीचे को जा रहा है, इसमें भी मतलब इसमें भी लगा है, देखिए खीरा बन रहा है ये छोटा सा। और ऐसे ही मुझे हार्वेस्टिंग मिलता रहता है। तो फ्रेंड ये रही मेरी आज की हार्वेस्टिंग। आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और आप पक्का एक बार हार्वेस्टिंग लेने के बाद ऐसे ही कुछ ना कुछ खाद वगैरह, मैं तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ नहीं करती, खरीदती नहीं हूँ, जो गोबर का खाद हो गया किचन कंपोस्ट उसी को यूज करती हूँ। आप ऐसे ही थोड़ा दो चार मुट्ठी मिट्टी के साथ मिक्स करके डालते जाइए और बेटर हार्वेस्टिंग लेते जाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।